आप फिर कल को जो भी आए वाह 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 करके चले जाएं। आपकी क्या जिम्मेदारी है भाई, आपकी क्या जिम्मेदारी है? हुसैनियत बसीरत होना सिखाती है कि जहां आपको खुशबू आए कि आप तुम बात कैसे कर रहे हो मुस्तहिद के खिलाफ। जो मुस्तहिद वक्त जजीद को उसकी कब्र में उतार सकता है, तुम्हारी जुर्रत क्या है भाई? इसमें इख्तलाफ की बात ही नहीं है भाई। मौलाना वो इनसे भाई किस चीज का इख्तलाफ भाई? मैं अपनी जान पे सौदा करूं, मैं अपनी जान पे सौदा करूं, मेरे मौला के जहूर में ताखीर हो रहे हो तुम लोग। ये मजलिस हुसैन की पूरी दुनिया को जमा करने की थी, तुम्हारे चंद चुटकलों ने, चंद देर की लज्जत है तुम्हारी जबान के, लख लगाए जबान है। इमाम हुसैन कहते हैं दीन दीन तुम्हारे मुंह में रखा हुआ निवाला है, जब तुम्हारा दिल चाहता है उसको निकल लेते हो। चंद देर के लख लगे ने तुम्हारी हमारी कौम को बर्बाद कर दिया। तुम कहते हो कि मौलाना मसलियत से काम ले, कैसी मसलियत से काम ले? जब दुनिया की सुपर पावर को घुटने टिकवा दिया हमने, तुम हमारा बिगाड़ भी क्या सकते हो? चंद मुल्क एक मुल्क में जाकर उस एजेंडे पर तुम हमारे मुल्क में तफरका फैला रहे हो, ये तुम मजाक थोड़ी है। ये मजलिस हुसैन है, यहां पर मजाक नहीं चलेगा, यहां अपनी बातें नहीं चलेंगी। ये आपकी जिम्मेदारी है उखाड़ फेंके ऐसे शख्स को, ऐसी तंजीमों को, ऐसे मेंबरों को जो वक्त के अली के नौकरों के खिलाफ कोई बात करे, उखाड़ फेंके। कोई मोहब्बत की बात नहीं है यहां पर भाई। जो आकर अली की बात करे, विलायत की बात करे, मोहब्बत की बात करे, वो अगर तुम्हारे जहन में हजम नहीं होता निजाम, तो तुम निजाम की बात नहीं करो, मगर निजाम के खिलाफ बात नहीं करो। निजाम के खिलाफ अगर बात की तो याद रखना नस्लें पछताएंगी तुम्हारी। तुमने समझा हुआ क्या है? जो जवान हवा के चीरते हुए निजाम को $200 मिलियन का वो ड्रोन के जो सिर्फ 4 या 5 है, जिसे दुनिया का रशिया का सबसे बड़ा निजाम दर्क नहीं कर सकता, उसको हवाओं में मार सकते हैं, वो तुम्हारे घर के अंदर बैठकर तुम्हें दफना भी सकते हैं।